2006 में आई थी मुंबई, उस वक्त क्या इतना कुछ बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी कि प्रोफेशनली मैं म्यूजिक करने वाली हूँ। उस वक्त एक दौर आया कि इंडिया में सिर्फ हिमेश भाई को ही सुना जाता था। जहां तक बात है सलमान भाई से मिलने की, तो ये तो एक सपना ही था कि सलमान भाई से मिलना, उनके लिए काम करना। मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई ये बोलने की कि मैं मिलूंगी सलमान भाई से, कभी सामने से कभी नहीं बोला। लेकिन एक दिन सलमान भाई ने खुद ही बुलाया मुझे कि आप अपनी वाइफ को लेके ही आना, मैंने सुना है वो बहुत अच्छा गाती है। हर गाने की एक अपनी किस्मत होती है। था गेंदा फूल जब बना था उस वक्त पता नहीं था कि इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर हिट हो जाएगा। मैं थोड़ी लेजी किस्म की हुई, अगर म्यूजिक नहीं कर रही हूँ तो सोती रहती हूँ या तो फिर टीवी देखती रहती हूँ। आज हमारे साथ है म्यूजिक इंडस्ट्री के सेंसेशन जिन्हें हमने अपना दिल दे दिया है। मैं बात कर रही हूँ पायल देव की, जिनका लेटेस्ट गाना दिल दे दिया आजकल यूट्यूब पर धमाल मचाए हुए है। सो वेलकम पायल। हाय, हाउ आर यू कनिका? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। ऑल वेल इन द फैमिली? यस, एवरीथिंग इज वेल। नाउ वी आर लाइक कंप्लीट लॉकडाउन इज देयर, सो ऑफ कोर्स वी आर एट होम ओनली, नॉट गोइंग एनीवेयर। ओके, सो आपका गाना इस वक्त, आपके गाने को इतना प्यार मिल रहा है, दिल दे दिया, कैसा लग रहा है, ये फीलिंग कैसी है इस वक्त? बहुत ही अच्छा लग रहा। ऑफ कोर्स अब तो लाइक आई एम तो यूज्ड टू इट, बिकॉज जो भी गाने आते हैं लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। ऑफ कोर्स तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है हर बारी, एंड आई एम एंजॉयिंग दिस मोमेंट। ऑफ कोर्स आपका लास्ट ईयर जो गाना आया था गेंदा फूल, वो काफी हिट रहा, तो उसके बाद जब आप नया गाना बना रही होती है तो पिछले गाने का जो सक्सेस होता है उसकी वजह से आपको थोड़ा प्रेशर फील होता है कि ये गाना उससे भी बेहतर बनाना है, कि ऑडियंस को डिसअपॉइंट ना कर दे कहीं, तो आप फ्लो के साथ जाती है या फिर थोड़ा प्रेशर के साथ काम करती है? देखिए, ये हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा गाना चलने वाला है कौन सा नहीं। ऑफ कोर्स हर गाने में एफर्ट इतना ही लगता है, चाहे कोई भी गाना हो, चाहे गेंदा फूल हो। उस एंड एज अ कंपोजर आई एम नॉट इन दिल दे दिया आल्सो, दिस वन इज कंपोज्ड बाय हिमेश भाई ऑफ कोर्स। तो आई थिंक उनके लिए ज्यादा प्रेशर होता होगा, क्योंकि जो भी कंपोज करता है उनके लिए बहुत ज्यादा ये प्रेशर वाला मोमेंट होता है कि पता नहीं क्या पसंद आएगा या नहीं। ऑफ कोर्स ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बट ऑफ कोर्स हर गाने की एक अपनी किस्मत होती है। क्योंकि पता नहीं था, गेंदा फूल जब बना था उस वक्त पता नहीं था कि इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर हिट हो जाएगा। तो हर गाना एक अपनी किस्मत लेके आता है। ऑफ कोर्स अब आप सपोज यू आर वर्किंग ऑन 30 songs, तो जरूरी नहीं है कि वो 30 song ही चलेंगे। हो सकता है उसमें से एक चले, हो सकता है उसमें दो चले, या तो आपकी किस्मत ज्यादा अच्छी हो तो 5-6 चल जाए, यू नो लाइक। तो ऑफ कोर्स मैं इन चीजों में नहीं मानती हूँ। एक बार गाना रिलीज होता है, एक बार रिव्यू आना शुरू होता है लोगों का, तभी पता लगता है कि क्या है। तो जब कोई गाना YouTube पर आता है तो उसके इंस्टेंट बाद आपका क्या एक प्रोसेस रहता है? क्या आप चेक करती रहती हैं कि क्या उसके रिव्यूज आ रहे हैं, या फिर आप अपना फोन और सब कुछ साइड करके थोड़ा रिलैक्स करना पसंद करती हैं? क्या आपका रहता है प्रोसेस? मैं एक्चुअली ये है कि मैं जो भी गाने मेरे रिलीज होते हैं, मैं अपने गाने को कभी भी ऐसे रिपीट पे नहीं सुनती हूँ, एंड रिव्यूज भी नहीं चेक करती हूँ। क्योंकि ऑफ कोर्स देखिए, दुनिया में बहुत तरीके के लोग होते हैं, हर किसी का अलग थॉट प्रोसेस होता है। तो कोई किस क्या थॉट आ रहा किसके माइंड में जिसने ये रिव्यू दिया, ये वी कैन नॉट इवन इमेजिन आल्सो। सो ऑफ कोर्स सबकी रिस्पेक्ट होती है। एक गाना होता है, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं पसंद आता है, तो एक्चुअली इट डजंट मैटर ऑफ कोर्स। तो मैं कभी पर्सनली ये सारी चीजें चेक नहीं करती हूँ कि क्या लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। बस ऑफ कोर्स मुझे बाहर से जो मेरे फ्रेंड्स का जो आता है ना, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड जब भी मैं कोई लाइव करती हूँ तो वहां मेरे फैंस आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि आपका गाना बहुत अच्छा है, तो ऑफ कोर्स मेरे लिए वो खुशी की बात होती है। एंड ऑफ कोर्स
थोड़ा तो होता ही है, ऑफ कोर्स प्रेशर भी तो थोड़ा होता ही है कि इसके बाद ये गाना आएगा, इसका क्या होगा क्या होगा, यू नो. सो इट्स लाइक दैट ओनली कि कभी बहुत अच्छा चलता है गाना, कभी बहुत अच्छा नहीं चलता है. ऑफ कोर्स तो डिपेंड्स कि कौन क्या सोच रहा, किस वक्त किसके घर पे क्या सिचुएशन है. इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज अगर मेरे घर में कोई बीमार है, सपोज, क्योंकि कोरोना के वक्त में देखिए हर किसी के घर में कोई ना कोई बीमार है, जैसे मैंने भी अपने डैड को खोया है, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके घर में लोग बीमार होते हैं, तो मेंटली वो अच्छे नहीं होते, तो उस वक्त रिव्यू देना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो लोगों को बहुत गुस्सा भी आता है कि यार देखो मेरे ये हो रहा है एंड मैं ये रिव्यू दे रहा हूँ. तो ये भी सिचुएशंस होते हैं. ऑफकोर्स एक अलग सिचुएशन होता है उनका भी, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एवरीबडी सिचुएशन, कि वो कौन सी सिचुएशन पे वो कमेंट या फिर क्या हिसाब से वो लिख रहे हैं, यू नो, अलग चीजें होती है. हिमेश सर के साथ आपने इस गाने पे काम किया है, उनके साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहता है ऑफकोर्स, क्योंकि हिमेश भाई को मैं बहुत पहले से फॉलो करती हूँ. ऑफकोर्स जब उनका पहला एल्बम आया था तेरा सुरूर, तो मैं बहुत बड़ी फैन बन गई थी. ऑफकोर्स उनके वो आवाज की भी एंड कॉम्पोजिशंस तो ऑफकोर्स होते ही है उनके ब्लॉकबस्टर, बट ऑफकोर्स उनकी आवाज भी बहुत यूनिक लगी थी. एंड वो उस वक्त एक दौर आया था, एक नया दौर आया था कि इंडिया में सिर्फ हिमेश भाई को ही सुना जाता था, हर घर में हर जगह आप देखिए उनको. तो ऑफकोर्स उनके साथ काम करना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है हर बार. बहुत सारे ऐसे गाने जो अब तक रिलीज नहीं है, कुछ ऑफिशियल जो रिलीज है वो एक दो ही है, दिल दे दिया को मिला के, एंड बट अनऑफिशियली मैंने गाया हुआ जो कि हो सकता है आगे आने वाले वक्त में रिलीज हो. तो ऑफ कोर्स बहुत अमेजिंग होता है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हिमेश भाई कि उनके गाने की मेलोडी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत कैची होती है, कि आप एक बार सुनोगे तो आपको लगेगा ही कि दूसरी बार मैं सुनूं. प्लस हिमेश भाई बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल कंपोजर है, डांस ट्रैक भी करते हैं एंड सोलफुल ट्रैक तो इतने सारे हैं उनके, तो बहुत ही जीनियस कंपोजर है. उनके साथ काम करना एक अलग ही होता है, यू नो, एक्सपीरियंस होता है. वो जब स्टूडियो में रहते हैं वो वाइब ही अलग होता है ऑफकोर्स. तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. और गाने में हमें देखने को मिला है सलमान और जैकलिन इस गाने में है, जब उन्होंने पहली बार ये गाना सुना और आपकी आवाज सुनी इस गाने में, उनका कैसा रिएक्शन था? ऑफ कोर्स देखिए सलमान भाई को मेरी आवाज बहुत पसंद है, शुरुआत से ही पसंद है ऑफ कोर्स. एंड ये गाना उन्होंने सुना तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा डिफरेंट साउंड कर रहा हर गाने से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सिंगर के लिए. ऐसा ना हो कि हर गाना एक ही जैसा साउंड कर रहा है, एक ही जैसा वॉइस हो रहा है, नहीं तो फिर क्या होता, थोड़े टाइम बाद ना मोनोटोनस हो जाता है. तो एक वर्सेटिलिटी जो आप देखिए, जैसे कि सुनिधि चौहान है एंड हमारी आशा जी है, उनका मतलब हर जोन के गाने गाती है, अलग सुनाई देती है ऑफ कोर्स. सो ऑफ कोर्स ये गाना थोड़ा डिफरेंट लगा उनको मेरे पिछले गाए हुए गाने से. तो उन्होंने पूछा कि ये किसने गाया, तो बोले नहीं, बहुत तारीफ की फिर उन्होंने कि नहीं बहुत अच्छा गाया है पायल ने. एंड बस ऐसे ही हुआ, बहुत अच्छा लगा ऑफ कोर्स सबको. आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री में शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो देखिए 2007 में मैं आई थी मुंबई, एंड 2006 में आई गेस. एंड उस वक्त क्या इतना कुछ बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी हमारे यहाँ पे. एंड उससे पहले मैं मम्मी से सीखती थी ऑफ कोर्स, कभी ऐसा सोचा नहीं था कि प्रोफेशनली मैं म्यूजिक करने वाली हूँ या फिर मैं प्लेबैक सिंगर बनने वाली हूँ, कुछ भी ऐसा प्लान नहीं है. एंड अक्सर ये ना चीजें प्लान नहीं होती है, क्योंकि जो भी होता है वो ऊपर वाला ही होता है, वही डिसाइड करता है कि आप आगे जाके क्या करने वाले हो. तो ऑफ कोर्स मैं स्टडीज में इतनी अच्छी नहीं थी एंड आई वाज रियली गुड इन म्यूजिक उस वक्त भी. तो हम फिर मेरे फैमिली ने एंड हम सब ने मिलकर यही डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग को म्यूजिक में ही आगे जाना चाहिए. एंड मेहनत की उसके बाद ऑफ कोर्स जो बॉलीवुड सॉन्ग सुनना सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या टेक्निक्स है गाने की. बहुत बार ऐसा होता है अगर आप सीखते नहीं भी हो, अगर आप म्यूजिक सुनते बहुत हो तो आप सुन लेते हो, यू नो. मैं मेरे मेरे घर में टीचर
तो थी, मेरी मम्मी खुद सिखाती थी, बट बहुत बार ऐसा होता, बहुत सिंगर्स ऐसे भी होते जिनके घर में कोई सिंगर्स नहीं होते, तो वो सुन के सीखते या तो गॉड गिफ्टेड होते। तो मेरे म्यूजिक करियर की शुरुआत भी ऐसे हुई, क्योंकि मुझे स्टडीज में इतना इंटरेस्टेड मैं थी भी नहीं, तो मुझे म्यूजिक ही करना था एंड उसको ही एक गोल लेके प्रॉपर मैं चलती रही, मेहनत करती रही। एंड जर्नी स्टार्ट तो देखिए हर कोई कहीं ना कहीं से स्टार्ट करता ही है, एंड मेरी भी वैसी कुछ शुरुआती हुई थी। और सलमान खान की हम बात करें तो उनके साथ काम करने का हर किसी का सपना होता है जो भी इस इंडस्ट्री में आता है। और आपने उनकी फिल्मों के लिए पहले भी गाने दिए, अभी राधे में, और उससे पहले आपने दबंग 3 में भी, और आई गेस रेस 2 में भी आपने आवाज रेस दी, थ्री में, रेस थ्री में। रेस 3 में, सॉरी सॉरी, दबंग 3 एंड रेस 3। तो आपकी मुलाकात कैसे हुई सलमान सर से, और क्या मतलब आप स्पेसिफिकली चूज करती है कि हाँ सलमान का प्रोजेक्ट है तो हम करेंगे, या फिर ये इत्तेफाक से हो जाता है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, बॉलीवुड में भी ऐसा होता है कि बहुत तरीके की फिल्म बनती है। देखिए हर गाने में सलमान भाई तो नहीं हो सकते, तो हमें मिक्स एंड मैच करके काम करना होता, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, चाहे आप किसी के लिए भी कर रहे हो, काम तो काम होता है, बस उसमें आपकी सच्चाई होनी चाहिए कि आप एक छोटा प्रोजेक्ट भी कर रहे हो तो इट शुड साउंड, द सॉन्ग शुड साउंड सो बिग, चाहे वो छोटी फिल्म के लिए आप करो या बड़ी फिल्म के लिए आप गा रहे हो। देखिए एफर्ट तो इतना ही लगता है, इतने एफर्ट्स लगा के हमें काम करना पड़ता है। एंड जहां तक बात है सलमान भाई से मिलने की, तो ये तो एक सपना ही था ऑफकोर्स, कि सलमान भाई से मिलना, उनके लिए काम करना, हर किसी का सपना होता है ऑफकोर्स। तो मैं मिली उनसे ऑफकोर्स बाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड है आदित्य देव, वो जानते थे, तो मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई ये बोलने की कि मैं मिलूंगी सलमान भाई से, कभी सामने से कभी नहीं बोला। लेकिन एक दिन सलमान भाई ने खुद ही बुलाया मुझे कि आप अपनी वाइफ को लेके ही आना, मैंने सुना है वो बहुत अच्छा गाती है, तो मुझे मिलना है। उन्होंने खुद बुलाया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं गई, मैं मिली उनसे एंड हमारी बातें हुई, एंड इस तरीके से एक रिलेशन की शुरुआत होती है। तो मेरे लिए सलमान भाई, मैं गार्जियन मानती हूँ उनको, जब भी मिलती हूँ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है मुझे उनसे। एंड एक सपना ही लेके आई थी कि शायद किसी दिन उन लोगों के लिए गाना गाने गाओ या उन लोगों को देखो, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं यहाँ आके उनके साथ काम कर पा रही हूँ। म्यूजिक के अलावा आपकी किस चीज में दिलचस्पी है? जब आप गाना नहीं गा रही होती तो क्या कर रही होती? जब मैं गाना नहीं गा रही होती तो मैं रेस्ट कर रही होती हूँ, या तो टीवी देख रही होती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि उसके अलावा कुछ, मैं थोड़ी लेजी किस्म की हूँ, अगर म्यूजिक नहीं कर रही हूँ तो ऑफकोर्स मैं या तो सोती रहती हूँ या तो फिर टीवी देखती रहती हूँ, लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग तक देख सकती हूँ मैं टीवी, सुबह 6 बजे तक भी देख सकती हूँ, एंड बस और क्या। ओके, सो आपकी एक छोटी बेटी भी है, तो आप लोग कभी रिमोट को लेके झगड़ा करते हैं? बिल्कुल नहीं, मैंने तो मेरे घर में तीनों बेडरूम्स में अलग अलग टीवीज लगा दिया सबके लिए, पेरेंट्स के लिए अलग, मेरी डॉटर के लिए अलग, हॉल में अलग एंड अदर बेडरूम में अलग, कि टीवी के लिए झगड़ा ना हो, जिसको जो देखना वो देखिए, तो कभी ऐसे नहीं होता है। बट ऑफ कोर्स हम हमारी बॉन्डिंग ऐसी है ना फैमिली की, तो हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि हम लोग साथ ही बैठ के देखे, तो जो भी फैमिली शो होता है हम लोग साथ ही बैठ के प्रेफर करते हैं, चाहे वो मेरे इन-लॉज के साथ हो, मेरी डॉटर के साथ हो। मैं एक बहुत स्पेशल बॉन्डिंग शेयर करती हूँ मेरी डॉटर के साथ। मैं बहुत बार ऐसा होता है मैं कार्टून ही देखती हूँ उसके साथ, क्योंकि ऑफ कोर्स एक ही डॉटर है मेरी और उसको भी फ्रेंड की जरूरत पड़ती है, एंड कोविड के टाइम पे यू का शी कांट मीट हर फ्रेंड्स ऑल्सो, तो ऑफ कोर्स अभी मैं ही उसकी दोस्त हूँ फुल टाइम, तो मुझे प्रॉपर उसके साथ वैसे रहना पड़ता है। झगड़ा तो नहीं होता कभी भी, इनफैक्ट अगर मैं ये भी बोलूँ कि जाजू कुछ और देखते हैं तो वो भी शी ऑल्सो अग्रीज, हाँ हाँ मम्मा वो देखते हैं, तो शी इज वेरी क्यूट 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 गर्ल। आपके हस्बैंड ऑलरेडी म्यूजिक इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश्ड हैं, आप भी अभी इतना अच्छा आप कर रहे हैं, आपकी बेटी ऑल्दो छोटी है लेकिन क्या उसका भी म्यूजिक की तरफ झुकाव है? आपको लगता है ऐसा कि वो भी आगे चलकर म्यूजिक में कुछ करेंगी? देखिए अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए बच्चों की चॉइसेस क्या होते हैं, बचपन में कुछ और होता है
हो सकता है अभी थोड़ी टीन एज होएगी बाद में जाके, तो हो सकता है कुछ और सोचे। तो ये एक्चुअली हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। देखिए मैं चाहती हूँ कि वो म्यूजिक में आए, ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, बट ये उसकी चॉइस के ऊपर भी है कि वो क्या करना चाहती है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो वो करना चाहती है वो ही वो करे, ऐसा नहीं कि मैं और उसके डैड हम लोग म्यूजिक में है तो वो म्यूजिक ही करे। और अभी जैसे 1 साल से हम लोग इस पेंडेमिक से जूझ रहे हैं, और लास्ट ईयर आपका जो सॉन्ग आया गेंदा फूल उसने धमाल मचाया था, इस साल ये सॉन्ग आया, और वो भी ऐसे टाइम पे जब एकदम लॉकडाउन हमारे एकदम पीक पे, मतलब हम चल रहे होते हैं, और म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो लोगों को थोड़ा अच्छा फील गुड कराती है, लोगों को साथ लाती है, जोड़ के रखती है। तो आपकी ये जो आप अपनी क्या इस कला को आप जो यूज कर रहे हैं हम लोगों के मुश्किल टाइम में, थोड़ा उसको आसान कराने के लिए, थोड़ा उसको अच्छा करने के लिए? देखिए कोशिश रहती है हमारी कि हम, देखिए ये हमारा प्रोफेशन है, हमें तो ये करना ही पड़ेगा। म्यूजिक तो, म्यूजिक के अलावा हमारे पास शायद कुछ भी नहीं हो करने के लिए। तो अभी पैंडमिक के वक्त ये भी नहीं बोल सकते रिलीफ के लिए, बिकॉज ये जो सिचुएशन है ये रिलीफ वाला सिचुएशन तो नहीं है। उसके बाद है, अगर बहुत लोगों को म्यूजिक पसंद है, जो लोग इंटरेस्टेड है म्यूजिक सुनने में तो वो सुनते हैं एंड रिव्यू अच्छा आता है तो ऑफकोर्स हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। बट इस वक्त ये नहीं कर सकते कि लाइक मैं किसी को अच्छा फील कराने के लिए गा रही हूँ, क्योंकि देखिए सिचुएशन आई कैन अंडरस्टैंड, जब किसी के घर में प्रॉब्लम होता है तो वो होता है, वो आप म्यूजिक से भी नहीं कर सकते ठीक, आप किसी और चीज से भी नहीं। इंसान खुद खुश रहना चाहिए म्यूजिक सुनने से पहले भी। एंड बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको, जो थोड़े अपसेट होते हैं तो उनको म्यूजिक सुनना पसंद है। तो हमारे देखिए दुनिया में बहुत किस्म के लोग हैं, तो इट डिपेंड्स कि कौन म्यूजिक को किस वे में ले रहा है। किसी को शायद बिल्कुल ही पसंद ना हो, बोले यार इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कोविड चल रहा है, अभी इनका गाना सुनू क्या, स्क्रॉल कर देते हैं। और ये जाहिर सी बात है, ऑफकोर्स जब मैं मेंटली टेंशन में रहूंगी तो ऑफकोर्स मुझे आसपास की कुछ भी चीजें अच्छी नहीं लगेगी। तो ऑफकोर्स इट डिपेंड्स। एंड इस बीच में भी है कि लोग गानों को भी बहुत प्यार देते हैं, बहुत लोगों को म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है जो कि वो कभी छोड़ नहीं सकते सुनना भी। तो ऑफकोर्स हम लोग को कि यही कोशिश रहती है हम अपना काम अपने तरफ से जो है वो अच्छा काम करें, दिल से काम करें, ताकि जो भी सुने, जो नहीं भी सुन रहा ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन, पर जो सुन रहा है उसके लिए अच्छा म्यूजिक हो। आपके सॉन्ग्स तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन आप किस तरह के सॉन्ग्स सुनना पसंद करती हैं? जी सच बोलूं तो मैं बिल्कुल भी सॉन्ग्स नहीं सुनती हूँ, क्योंकि मुझे सुनती नहीं हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है सॉन्ग सुनने में। जिस वक्त मैं गा नहीं रही होती हूँ उस वक्त मैं खुद कंपोज कर रही होती हूँ कुछ गाने, या फिर मैं अपनी चीजों में, अदर चीजों में बिजी रहती हूँ, अपनी फैमिली के साथ बिजी रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम मेरा फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहिए मुझे, एंड बिकॉज यू नो आई हैव अ डॉटर टू, तो मुझे उसके स्टडीज को भी देखना पड़ता है, तो आई हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पूरे घर का ख्याल रखना पड़ता है। तो म्यूजिक सुनने का वक्त तो बिल्कुल नहीं मिलता है अभी। एंड ड्यू टू कोविड पिछले 1.5 साल से मैंने, मेरे घर पे कोई काम करने के लिए कोई भी नहीं है, तो आई डू माई ऑल वर्क बाय माई सेल्फ, घर का सारा काम मैं खुद करती हूँ। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब इतनी सारी चीजें हो एक साथ करने में तो म्यूजिक सुनने का तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। हार्डली ऑफ कोर्स टाइम निकालती हूँ अपने डबिंग के लिए, या फिर कंपोज कर रही हूँ, गाना कंप्लीट कर रही हूँ तो उसके लिए बस टाइम निकालती हूँ। ऑफकोर्स आपके गोल्स क्या हैं अभी? आप अभी थोड़ा सा अपने सक्सेस को थोड़ा कुछ समय तक एंजॉय करना चाहते हैं, या फिर आगे कुछ पाने की और चाहते हैं? ऑफ कोर्स मतलब मुझे अभी वो मुझे मिला ही नहीं है जो मुझे चाहिए। ऑफ कोर्स अभी मैं बहुत, मुझे ऐसा लगता है इनिशियल स्टेज पे हूँ। मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में। देखिए गोल्स और नेम फेम ठीक है, बट मेरे को ये है कि मैं लाइफ में बहुत अच्छा काम करूँ,
म्यूजिक करूँ तो म्यूजिक भी इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग बहुत वक्त मतलब हमेशा मुझे लोग याद रखे कि उसने म्यूजिक किया था तो बहुत अच्छा किया था। गोल मेरा यही रहेगा, ऑफ कोर्स अच्छा म्यूजिक करना। एंड सक्सेस तो देखिए सक्सेस आता जाता रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता, फिर सडनली वापस आता है एंड फिर वापस से आ सकता है, यू नो इट डिपेंड्स। बट आपका आपकी जो एक इंसानियत है ना एक काम के प्रति कि नहीं ये काम मुझे अच्छे से करना है, तो बस यही एक मेन चीजें होती है जो मैं फॉलो करती हूँ। मुझे ये लगता है कि मेरा हर गाना बहुत अच्छा हो। कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके? बहुत सारे हैं, इंडिपेंडेंट स्पेस में भी बहुत कुछ सुनोगे आप। अभी मूवी भी है जो मैंने पहले किया हुआ है, भुज है, देन सत्यमेव जयते है, और बहुत कई सारे हैं जिनके कभी कभार टाइटल फिक्स नहीं होता, बाद में चेंज होता रहता है कभी कभार, तो वो भी है। एंड इंडिपेंडेंट में भी काफी सारे हैं ऑफ कोर्स। अब एज एन आर्टिस्ट काम तो करना पड़ेगा। सो रैप अप करते हैं आपके एक मैसेज के साथ जो आप अपने फैंस को देना चाहें। मैं बस अपने फैंस को फिलहाल यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज सेफ रहिए, घर पे रहिए। जब तक ये सिचुएशन नहीं ठीक होता है तब तक बाहर मत जाइए ज्यादा से ज्यादा। एंड अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए। एंड इस वक्त सबसे बड़ी चीज है वो है जिंदगी। आप सेफ है तो पूरी इंडिया सेफ है ऑफ कोर्स। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को सेफ रखें। एंड गाने जरूर सुनिए, अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो आई होप आपको गाने पसंद होंगे, तो गाने जरूर सुनिए, तो उससे भी थोड़ा माइंड रिलैक्स होता है कभी कभी। एंड मेरे गानों को बहुत सारे प्यार दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए एक्चुअली। जो भी गाने हैं मेरे जरूर सुनिए। एंड जो भी आपका गोल हो, आप भी जो भी करना चाहते हो उस पे आगे बढ़िए एंड मेहनत कीजिए बस। थैंक यू पायल, दिस वॉज सच अ लवली कॉन्वर्जेशन। और 13 मई को राधे रिलीज हो रही है, उसके लिए ऑल द बेस्ट, और आपके सारे थैंक आने यू, वाले थैंक के लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यू, थैंक यू, या थैंक यू कनिका।